सस्कल दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोजेम पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्तों इस चैनल का होस्ट। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि प्रसार भारती ने डीडी फ्री डिश के ग्राहकों के लिए 43वीं ई ऑक्शन का ऐलान कर दिया है जो कि जनवरी के महीने में होगी और इस ई ऑक्शन में मिलने वाले चैनलों को आप फरवरी 2020 से देख पाओगे। तो क्या है जानकारी जानेंगे कि इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों प्रसार भारती ने 43वीं ई ऑक्शन का ऐलान एमपैक 4 सेटअप बॉक्स के ग्राहकों के लिए किया है। मतलब इस ई ऑक्शन में जो चैनल आपको देखने को मिलेंगे वो केवल वही ग्राहक देख पाएंगे जिनके पास डीडी फ्री डिश का एमपैक 4 सेटअप बॉक्स है, फिर वो चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर प्रसार भारती ने एक बात साफ साफ लिखी है कि जो अनऑथराइज्ड सेटअप बॉक्स हैं, उनका प्रसारण कभी भी रोक दिया जा सकता है। अभी के लिए तो इन चैनलों का प्रसारण सभी सेटअप बॉक्स पर किया जाएगा। यह ई ऑक्शन प्रो रेटा बेसिस के ऊपर किया जाएगा। मतलब इस ई ऑक्शन में जो चैनल आपको देखने को मिलेंगे उनका प्रसारण 1 फरवरी 2020 से लेकर 14 मई 2020 तक के लिए किया जाएगा। इस ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए सभी ब्रॉडकास्टर्स 20 जनवरी 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन नए चैनलों को फ्यूचर में बिना रुकावट के देखना चाहते हैं तो आपको डीडी फ्री डिश के द्वारा ऑथराइज्ड आई के सेटअप बॉक्स को परचेज करना होगा। इस ई ऑक्शन में कितने चैनल देखने को मिलेंगे इसके बारे में प्रसार भारती ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा दोस्तों अगले महीने यानी कि फरवरी 2020 में डीडी फ्री डिश के एमपैक 2 सेटअप बॉक्स के ग्राहकों के लिए भी एक बड़ा ई ऑक्शन होने वाला है जो कि डीडी फ्री डिश में मौजूद सभी चैनलों के लिए किया जाएगा। उस ई ऑक्शन में मिलने वाले चैनलों को 1 मार्च 2020 से देखा जा सकेगा। तो दोस्तों अभी तक जो जानकारी थी वो इसी प्रकार थी। अगर मुझे और कुछ जानकारी मिलेगी इसके बारे में तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। तो अगर आप डीडी फ्री डिश से संबंधित और भी वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।